हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे दोस्त जो सेल्स फील्ड में हैं, उनको दिक्कत जा रही है कि सेल्स वो कैसे अचीव करे और सेल्स में एक्सेल कैसे कर पाए। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ शेयर बताया था, इस बार मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूँ जो कि आप अपने लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो आप सेल्स को आगे बढ़ा सकते हो। तो ऐसा भी कोई स्टेप है? वाओ, यस। आपको जो मैं बताने वाला हूँ मेरी लाइफ से है, मैंने अपने लाइफ में वो यूज़ किया और आपको वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला है कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप सेल्स प्रेजेंटेशन देने जाते हो या सेल्स कॉल पे जाते हो तो आगे वाला आपको कॉन्फिडेंट देखता है, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसको भी मज़ा नहीं आएगी। अगर आप एनर्जी के साथ उसको प्रोडक्ट पिच नहीं करोगे, आपको आपको कॉन्फिडेंटली उससे बात नहीं करोगे, वो कस्टमर है, कस्टमर भाप लेगा कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ऐसे बंदे से वो कभी भी लेना नहीं चाहेंगे जिसके पास कॉन्फिडेंट नहीं है। तो उसके उसके लिए आप सोल्यूशन क्या है? तो लास्ट वीडियो में जैसे आपको बताया था, आपको दिन में 25 बार बोलना है कि आई लाइक माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ। उससे होगा ये कि आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। दूसरा टिप ये है कि आपको विजुअलाइजेशन करना है, विजुअल करना है कि आप उस पोजीशन में हो कि आप अगर आपकी मीटिंग 10 दिन बाद है या 5 दिन बाद है, तो आपको इस समय पे ही उसको विजुअलाइज करना है कि आप क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे हो, आप उसको सेल्स प्रेजेंटेशन दे रहे हो और चेक आपको वो दे रहा है, जो आपको अमाउंट चाहिए वो चेक आप वो पहले से विजुअलाइज आपने कर लिया है। तो इससे होगा कि आप पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे माइंड में। विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है। अगर आप देखोगे कि जैसे बुर्ज खलीफा जो इमारत है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इमारत है, वो जो सबसे बड़ा टावर है बोल सकते हैं आप, तो वो जब बना था उसके पहले उसका डिज़ाइन बना था, उसका लोगों जो भी आर्किटेक्ट होगा उसने उसको का ब्लूप्रिंट बनाया था। तो ये विजुअलाइजेशन का ही अफेक्ट है कि पहले आपको उसको आपके माइंड में लाना होता है, उसके बाद वो फिज़िकली इम्प्लीमेंट होता है। तो विजुअलाइज़ कीजिए आप जो भी आपको सेल्स करना है। तीसरी चीज़ है, आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि फेलियर ही ऑप्शन नहीं है। आपको हमेशा ही कॉन्फिडेंट रहना है, कितना भी सेल्स हो या ना हो, आपको गिव अप नहीं करना है। मेरे साथ भी लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे सेल्स नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको गिव अप कर देना है। बहुत सारे मेरे भाई लोग जॉब छोड़ देते या फिर वो सेल्स में कभी आते नहीं क्योंकि उनको सेल्स मिलता नहीं है या एक दो बार उसको रिजेक्शन मिल जाते हैं। फोर्थ टिप ये है कि रिजेक्शन को आपको पर्सनली नहीं लेना है। बहुत सारे लोग उसको पर्सनली लेते हैं, क्योंकि अगर आप सेल्स में हो तो 80% आपको रिजेक्शन मिलना ही मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप 10% 10 लोगों से मिलोगे तो 8 लोग आपको रिजेक्शन देंगे ही देंगे। तो आप रिजेक्शन के लिए तैयार हो जाइए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। आपको बेशर्म बनना है। आपको अगर कोई नहीं बोलता है तो वो आपको पर्सनली नहीं नहीं बोल रहा है। बहुत सारी सिचुएशन हो सकते हैं जिसके लिए वो इस समय पर नहीं बोल रहा है। फिफ्थ चीज़ है, आपको उनके लोगों के संगत में रहना है जो ऑलरेडी टॉप के सेल्समैन है या टॉप अचीवर्स है आपके इंडस्ट्री में या आपके कंपनी में या जो भी आप आपके संगत में बोलो या फिर आप जो नेटवर्क में हो उसमें सबसे टॉप जो लोग हैं उनके साथ आप रहना चालू करो। उनका उनके और जानने की कोशिश करो, उनसे बात करो और पता लगाओ कि वो क्या कर रहे हैं, क्या अलग कर रहे हैं जिससे उनको इतनी सक्सेस मिल रही है। तो आपको बहुत सारे आपके जो दिमाग में ब्लॉक है वो आपके ब्लॉक्स निकलना चालू हो जाएंगे और नए आपको डायरेक्शन मिलना चालू हो जाएंगी। तो ये मेरे 5 टिप्स थे। थैंक यू।